विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ऐलान किया है 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ज्ञापन दो अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसको लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है। सभी का ये कहना है कि सरकार बिजली विभाग को जो है निजीकरण करने जा रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित विद्युत कार्यालय पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों ने अपनी अनेक समस्याओं पर चर्चा की। बैठक के दौरान ये बताया गया 25 सितंबर से ज्ञापन दो अभियान चलाया जाएगा, जो 2 अक्टूबर रहेगा। बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों ने बताया कि बिजली विभाग को निजीकरण करने की तैयारी सरकार कर रही है, जिसको लेकर हम अपना विरोध जाहिर करेंगे। ज्ञापन दो अभियान के अंतर्गत सभी जन प्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जाएगा और निजीकरण का विरोध किया जाएगा। बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण यदि होता है तो आम आदमी को एक भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। विद्युत परिषद अभियंता संघ, वर्तमान में हम यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के अंतर्गत सभी लोग एकत्रित हैं। विभिन्न विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पर हैं। हमारे संघर्ष समिति में लगभग 18 घटक दल हैं, जिनके साथ हम यहाँ पर विरोध सभा में सम्मिलित होने आए हैं। जी, निश्चित तौर पर वर्तमान में जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को तोड़कर अनबंडलिंग कर जो निजीकरण के लिए जो कार्रवाई की जा रही है प्रबंधन के द्वारा, सरकार के द्वारा, हम उसके विरोध के उसमें यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर ये अनबंडलिंग और ये निजीकरण होता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। वर्तमान में जो नियामक आयोग में जो प्रबंधन द्वारा जो फाइल किया गया है पर यूनिट रेट, वो 7.90 रुपये के आसपास फाइल किया गया है। अगर इस पर मैं 16% मुनाफा, जो मिनिमम मुनाफा है जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत है, उसको जोड़ूँ तो ये यूनिट जाएगी लगभग 10 रुपये। 10 रुपये यूनिट क्या संभव है किसान के लिए, आम उपभोक्ता के लिए देना? 10 रुपये यूनिट से अगर मैं बिल निकाल दूं कि 5 HP की मोटर का 9,000 रुपये बिल है और एक 10 HP की मोटर का हमसे 18,000 रुपये बिल है, क्या ये संभव है किसान के लिए देना? तो ये हो गया उपभोक्ताओं की बात। वहीं हमारे जो हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कम से कम हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ में 8,000 जो है रेगुलर के सी और डी क्लास के पद सारे के सारे समाप्त कर दिए जाएंगे और उन पर जो अभी वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों उनको जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर जो हमारे अवर अभियंता और क्या नाम है इंजीनियर्स के पद हैं, वो भी लमसम 1300 पद हैं, 2300 पद हैं, जो कि क्या नाम है तत्काल व्यवस्था से उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद जो एक सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस है उसके अनुरूप उनको जो है उनको भी लास्ट कम फर्स्ट गो के हिसाब से निकाल दिया जाएगा। और वहीं की संविदा के जो पद हैं 15,000, वो भी जिस दिन निजी अनबंडलिंग होगी और पूर्वांचल निगम खत्म होगा उसी दिन वो सारे के सारे पद स्वतः ही टेंडर समाप्त होने के कारण उनकी भी नौकरी चली जाएगी। तो इस कारण से हम लोग यहाँ पर जन जागरण अभियान चला रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था अंत्योदय का, आखिरी सीढ़ी आखिरी पायदान पर बैठे हुए आदमी को जो है सुविधा मिले। हम उसी संकल्प को लेते हुए 25 तारीख से एक ज्ञापन दो अभियान चलाने वाले हैं, जिसमें जितने भी हमारे माननीय प्रतिनिधि हैं उन सबको ज्ञापन देकर इस निजीकरण के कुचक्र के बारे में उनको अवगत कराया जाएगा। ये जन जागरण रैली जो हमारी चलेगी, ये 2 अक्टूबर हमारे महात्मा गांधी जी की जयंती पर जो है इसका अंत किया जाएगा। वर्तमान में जो हम 1 घंटे का जन जागरण अभियान चला रहे हैं, इसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय महाराज जी के पास ये खबर जाए, वो समझें पीड़ा कि जहाँ एक और उपभोक्ताओं के साथ जो है अन्याय होने वाला है, वहीं एक बहुत बड़ा जो है कुचक्र चलाकर सारे ही कर्मचारियों की नौकरियों पर जो है नज़र गड़ाए हुए ब्यूरोक्रेसी। तो इसी क्रम में हम ये जो है पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चला रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस आंदोलन को चलते हुए 21 दिन हो गया है, किसी भी वार्ता या किसी भी सार्थक वार्ता के लिए आमंत्रण तक नहीं आया है। तो ये हठधर्मिता है प्रबंधन की, जो एक कुचक्र चलाकर जो है निजीकरण की तरफ चीज़ों को ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में ये 4 से 5 के बीच में हम विरोध सभा कर रहे हैं। इसमें हमारे रेगुलर के करीबन 45,000 एम्प्लॉयज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही हमारे संविदा के साथी भी हैं जिनकी 50 से 60 हज़ार, तो टोटल मिला के अगर मैं कहूँ तो लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश में जो है कर्मचारी जो है अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है प्रदर्शन में, आपके भी मुंह पे मास्क नहीं है? नहीं, देखिए मेरे पास मास्क है और चूंकि क्या नाम है, अब आप भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए मास्क लगाए इसलिए नहीं लगाए। दूसरी बात,
सोशल डिस्टेंसिंग हम प्रॉपर फॉलो करते हैं, मास्क लगा के हमारी रैलियाँ होती हैं। रैलियों में आपने देखा हमने कुर्सियाँ लगवाई हैं जिससे कि क्या नाम है, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। सैनिटाइजर की व्यवस्था हमारे दरवाजे पर ही, आप भी आए होंगे, आपके भी हाथ सैनिटाइज कराए गए होंगे। जो जो प्रॉपर व्यवस्थाएं जो रूल के हिसाब से लेनी चाहिए, जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हम ले रहे हैं। परंतु मैं आपसे पूछता हूं, कल को क्या नाम है, एक साथ 10,000-15,000 कर्मचारी अपने बच्चों को लेकर रोड पर कटोरा लेके घूमेगा, कहां तक हम इस चीज़ को क्या नाम है सहें? सरकार तक ये बात जानी चाहिए, ये कौन सी व्यवस्था है जिस कारण कोरोना काल में हमें विरोध प्रदर्शन कर रहा है। संघर्ष हम पे थोपा गया है, ये हमने लिया नहीं है। हम तो वो एम्प्लॉई हैं जो 24 घंटे बिजली देते हैं, जो तत्पर रहते हैं हर विषम परिस्थितियों में भी। आप ये देख रहे होंगे लगातार जो है, जो भी व्यवस्था है, जो भी संसाधन है, सीमित संसाधन है, बगैर किसी उसके आप किसी भी क्षण में, किसी भी त्यौहार में हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। 24 घंटे बिजली देने का हमारा संकल्प है एकदम। छोटे किसानों में कितना फर्क पड़ा है, छोटे किसान जो है देखिए बिल जमा देर से करते हैं, जब तक फसल नहीं होती तो क्या फर्क पड़ेगा प्राइवेट होने से? वर्तमान में आप ये जान लीजिए कि किसी की भी मोटर 5 HP से कम की तो है नहीं। 10 रुपये यूनिट के हिसाब से आप लगाएंगे तो कम से कम उसका बिल ही जो है 8,000 से 9,000 रुपये आएगा। 8,000 से 9,000 रुपये प्रति माह का बिल दें, भले जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है 2020 उसमें सब्सिडी क्रॉस सब्सिडी की व्यवस्था समाप्त की जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। अब वो क्रॉस सब्सिडी की व्यवस्था जो समाप्त हो गई और वो किस माध्यम से दी जाएगी किसानों को अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो मुझे बताइए क्या ये संभव है कि प्रति माह जो है 9 से 10 हज़ार का बिल ट्यूबवेल का किसान देने में संभव है कि नहीं है? ये विचारणीय प्रश्न आप सबके बीच में है।